रियलिस्टिक रूटीन। अब रियलिस्टिक रूटीन क्या ही होता है एक न्यू मॉम का जिसकी एक 5 महीने की बेटी है, ये है रियलिस्टिक रूटीन या फिर ये है रियलिटी? देयर इज नो रूटीन एज सच। आई एम नॉट हियर टू शेयर एनी टाइम मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजिंग टिप्स विद यू बिकॉज ऑनेस्टली मैं अभी फिलहाल स्ट्रगल कर रही हूँ अपने नए बच्चे के साथ। मैं ये समझ रही हूँ कि कैसे मैनेज करना है, ठीक है, एंड आई एम श्योर मेरा बच्चा भी समझ रहा होगा इस दुनिया में कैसे एडजस्ट करना है। तो हम दोनों अभी फिगर आउट कर रहे हैं, सीख रहे हैं। सो देयर इज नो रूटीन एज सच जो हम फॉलो करते हैं, बिकॉज आपको पता है कि बच्चे कितने क्रैंकी होते हैं, हम उसके माइल्ड स्टोन स्पीड होते हैं तो थोड़े क्रैंकी हो जाते हैं, नए फेज से गुजरते हैं। एवरी 90 डेज देयर इज अ चेंज, इन फैक्ट एवरी डे देयर इज अ चेंज। सो इफ आई हैव टू टेल यू ऑनेस्टली दैट आई मैनेज माई थिंग्स वेरी नाइसली, आई डू नॉट केयर। वॉट आई केयर इज दैट कि मेरा जो मेंटल हेल्थ है, मेरा जो स्ट्रेस लेने का क्षमता है वो मैं क्रॉस ना करूँ। स्ट्रेस होता है, कभी कभी बेबी रोते हैं, वो बता नहीं सकते क्यों रोते हैं, तो हम स्ट्रेस लेते ही है विद न्यू बॉर्न, राइट? सो माई ओनली फोकस इज दैट आई मेंटेन माई सैनिटी। विद दैट सेड, ऑफ कोर्स यू नीड अ लॉट ऑफ हेल्प, एंड सिंस मैं अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ तो मुझे वो हेल्प मिलती है। आई एम रियली ब्लेस्ड, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरी मम्मी मैनेज करती है हाउस होल्ड चोर्स और मैं बेबी को देखती हूँ। बट आज एक ऐसा दिन था कि जहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि मुझे खाना बनाना चाहिए, बिकॉज कोई कोई चीज़ें ना मुझे अपने हाथों की अच्छी लगती है। आज बन रही थी अक्के मसूर की थाल ढाबा स्टाइल, बहुत सिंपल रेसिपी है बट बहुत बहुत टेस्टी लगती है। अब आप सोच रहे होंगे इसे कुछ टिप्स भी नहीं देना है, इसे कुछ शेयर भी नहीं करना है, तो ब्लॉग क्यों? ब्लॉग इसीलिए क्योंकि मैं दिखा रही हूँ रियलिटी। मैं वो गिल्टी प्लेजर में नहीं, गिल्टी ट्रिप में, वाइस गिल्टी प्लेजर, गिल्टी ट्रिप में मैं आपको नहीं डालना चाहती कि सब ऑनवाइज होते हैं, सब मैनेज करते हैं। मैं आपको वही दिखा रही हूँ जो मेरे साथ हो रहा है या फिर मैं फेस कर रही हूँ। सब सभी ऑर्गेनाइज नहीं होते, सब में वो टैलेंट नहीं होता है, और वो टाइम के साथ आता है। जो होते हैं हैट्स ऑफ टू देम, बट ऐसे भी होते मेरे जैसे लोग जो थोड़ा टाइम लेते हैं, स्ट्रगल करते हैं। एनीवे, सो ये जो मैं ड्रिंक पी रही हूँ ना, ये है हेयर फॉल कंट्रोल के लिए। इसकी रेसिपी मैंने मिनी ब्लॉग में शेयर की है, बहुत ही सिंपल ड्रिंक है। कनपता सत्तू पाउडर एंड छाछ के साथ आप ये बना सकते हो। अब जाके मुझे टाइम मिला है आप लोगों से बात करने का, क्योंकि पूरा दिन कुछ ना कुछ तो रहता ही है। दुकू का काम होता है, कुकिंग करनी होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, तो मैं ऐसे बैठ के बात नहीं कर सकती, ब्लॉग भी नहीं कर सकती, क्योंकि फिर वो ना एक फ्लो नहीं बनता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ब्लॉग दिखा देती हूँ, एज इन वीडियोज़ दिखा देती हूँ कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है सुबह से। बट ये सब बैठ के बात करना ना, तो मैं ऐसे आराम से, मुझे शांति से बैठ के बात करना अच्छा लगता है। हाँ, तो बच चुके हैं दोपहर के एक। अब मैंने आपको जो दिखाया था ओपटन बनाने के लिए, मैं अभी वो करूँगी या फिर मैं खाना खाने के बाद करूँगी, पर मैं वो इस वीडियो में नहीं दिखाऊँगी आपको, क्योंकि उसके लिए मैं एक अलग ही वीडियो बनाऊँगी, क्योंकि वो थोड़ा बहुत लेंदी प्रोसेस है। लेंदी एज इन मतलब एक एक चीज़ें मुझे आपको बतानी, क्योंकि इतनी ना यूनिक चीज़ें उस ओपटन में जो मैं बनाने वाली हूँ, एज इन ये साउथ में आप देखोगे ज़्यादा बनता है। दुग्गू का मैट आ गया। दुगू का मैट्रेस आ गया तो मैं बाल लेने चली गई थी। आप सोच रही बार बार मैं बाल क्यों बांध रही? देखिए आपको दिख रहा है ये बॉल पैचेस आ रहे हैं, नए बाल ऐसा नहीं, बट इतना मुझे स्ट्रेस होता है ना इसका, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा, इतने बाल झड़ रहे। मुझे पता है ये टाइम भी नहीं, पर मैं कर क्या सकती हूँ, टेंशन तो आता है ना। अच्छा, आपने हीना खान का वो न्यूज पढ़ा, उनको स्टेज 3 कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर, एंड व्हाट अ करेजियस लेडी। मतलब वो अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रही है। एक मिनट, उसका तो फोन आ गया, मैं देखूँ क्या है। हाँ, मैं कह रही थी उन्होंने वो अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रही है, एंड यू नो शी इज टेकिंग इट,
मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मतलब मैं कैसे बोलूँ, वो पॉजिटिव ले रही है या वो पॉजिटिव होने की कोशिश कर रही है, जो भी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बड़ी बीमारी है एंड द वे यू आर पोर्ट्रेइंग इट, शोइंग इट टू द वर्ल्ड दैट यू नो, मतलब आप इतने पॉजिटिवली ले रहे हो, आप दूसरों को हिम्मत दे रहे हो, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज टू डू दैट. ठीक है, मुझे याद है जब मुझे एक लंप आ गया था, मेरी दो सर्जरी हुई है, एक तो यहाँ पे मुझे लंप था और एक मेरे पेट में था, एंड मैं इतनी डर गई थी, मतलब मुझे आपको समझ में आ रहा होगा मैं कैसे बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे वो याद आ रहा है, मैं इतनी डर गई थी कि मुझे कैंसर तो नहीं, मुझे ये तो नहीं, मुझे वो तो नहीं, एंड मैंने सब कुछ सोच लिया था कि यू नो क्या होगा आगे एंड ऑल ऑफ दैट. अब मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि मैं कुछ फेस कर पाऊँ, कुछ पॉजिटिवली सोच पाऊँ, मैं एकदम नेगेटिव हो गई थी. However, when I look at Hina, I feel that, you know, stage 3 cancer, it has escalated and she is still, you know, she fighting against it. She's with thoughts with the belief that she has, she'll come out strong. So, main itni, matlab, I'm in awe with her. Mujhe pehle se hi bahut pasand hai. But, abhi to, matlab, main kya hi batau. Aise, this is what strength is, this is what courage is, and it shows during your hardest time, and hats off to you. I pray, Hina, that you you know, you win this battle, and I definitely know that you will win this battle. So to all the ladies out there, please take care of your health. I know cancer किसी को बोल के नहीं आता, या ऐसा ही नहीं है कि जो हेल्थी लाइफ मेंटेन करते हैं उनको नहीं आता, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को भी आ सकता है. बट जितना भी हो सके हम अपना ध्यान रखें, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट. सी मैंने ऐसे ध्यान रखें, हम अपने हेल्थ का तो ध्यान रखते ही है फिजिकली, बट मेंटली भी ध्यान रखना बहुत इम्पॉर्टेंट. अगर आप पढ़ोगे ना कि जब हम ग्रज रखते हैं, जब हम किसी को फॉरगिव नहीं करते, जब हम इतने नेगेटिव थॉट्स सोचते हैं, इससे भी हम कई सारी बीमारियां अट्रैक्ट कर सकते हैं, स्ट्रेस, राइट. सो जितना हम अपने फिजिकल बॉडी का ध्यान रखते हैं, उतना ही हमको अपने मेंटल बॉडी का भी ध्यान रखना है. ये मैंने हज़ार बार बोला, दैट इज़ माई होल एजेंडा ऑफ यू नो मेकिंग द ब्लॉग. मैं ब्लॉग तो मतलब बना सकती हूँ, नॉर्मल अपना रूटीन दिखा सकती हूँ, पर मेरा रूटीन वो एक ऑफकोर्स मोटिव है, बट मेरा और एक मोटिव है कि मैं एक हार्ट टू हार्ट टॉक कर सकूँ आप लोगों के साथ, शेयर कर सकूँ कुछ, हम एक दूसरे को इंफॉर्मेशन बांट सके या अपलिफ्ट कर सकते, यही मेरा एजेंडा है व्लॉग बनाने का, और कोई एजेंडा नहीं है मेरा व्लॉग बनाने का. सो यस, विथ दैट सेड, आई विल टेक अ लीव. मैं आपको जल्द मिलूंगी. अगर आपको मेरी ब्लॉग अच्छी लगती है, अगर आपको मेरी बातचीत अच्छी लगती है, अगर आपको और सुनना है मुझे, तो अब पता आपको क्या करना, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है. एंड चलिए मैं अभी सो जाऊँगी थोड़ा, अब पता नहीं सुनने मिलेगा कि नहीं सुनने मिलेगा, बिकॉज मुझे अपनी बेटी को सुलाना है, जिसके लिए मुझे 2 घंटा लगता है उसको सुलाने के लिए. I'll see if I get, if I'm lucky today and if I get some chance to sleep in the afternoon or take a cat nap in the afternoon, and I shall see you soon. You guys take care, lots of love, bye bye.